हेलो फ्रेंड्स, स्वाद विद दीपिका में आपका फिर से स्वागत है। तो मैंने आज जो रेसिपी स्टार्ट की है ना, बहुत ही अच्छी है। तो आप इसे घर पे भी बना के खा सकते हो, सफ़र में जाओ तो भी इसका बनाकर लंच में रख सकते हो। कम से कम 1 से 1.5 दिन तक तो चल सकती है, वो भी बिना प्याज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सत्तू की पूड़ी। तो उसमें मैंने सत्तू लिया है, सत्तू के साथ मैंने इसमें इंग्रीडियंट जो भी डाला है वो है जीरा पाउडर है, नमक है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है, काला नमक, अजवाइन है। अजवाइन को हाथों से अच्छे से मसल के देना है, उसका स्वाद अच्छा से आएगा। अचार का मसाला है। इस सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पानी से अच्छे से मिक्स करना है। इसमें मैंने प्याज भी दिया है, प्याज को आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि प्याज सफ़र पे अगर जाओ तो ख़राब हो सकती है, लेकिन घर पे अगर बनाओ तो दे सकते हो। अब जो भी नहीं खाते वो स्किप कर सकते हैं। अचार के मसाले से इसका बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और इसे अच्छे से मिलाकर इसे रोटी में भर के चारों तरफ से कवर करना है। और इसे अब बस पूरी के लिए बेल लें या पराठे के लिए, और इसका मज़ा लें। मेरी रेसिपी को देखने के लिए थैंक यू सो मच। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।